हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर 6 ऑफ योर क्लास 4 न्यू मलबेरी इंग्लिश बुक तेनाली रामा एंड द ड्रीम किंगडम। अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। If something is logical, it makes sense. To solve a problem, we often have to be logical. How logical are you? How good are you at solving problems? Try this one. अगर कोई भी चीज़ logical होगी तभी उसमें sense होगा। अगर कोई भी problem हमें solve करना है तो सबसे पहले हमें logical होना होगा। logical होने का मतलब कि हमें real बातें करनी होंगी। और आप कितने logical हैं, आप कितने अच्छे से problem solve कर सकते हैं। A lily doubles its size every day. It will take 30 days to reach its full size. On which day will the lily be half its size? तो एक लिली जो है वो, लिली यानी एक फ्लावर का नाम है, जो हर दिन डबल हो जाती है और उसे अपने फुल साइज़ तक पहुँचने में 30 दिन लगते हैं। तो किस दिन जो है लिली जो है वो अपने हाफ साइज़ की हो जाएगी, तो ये आपको सॉल्व करना है पजल। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट किंग कृष्ण देवर आई एंड तेनाली रामा हिज मिनिस्टर हु वॉज वेरी क्लेवर एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो ये जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किंग कृष्ण देवर आय और तेनाली रामा जो उनके मंत्री थे और हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो बहुत ज़्यादा ही माहिर थे। देयर वंस वॉज अ किंग नेम्ड कृष्ण देवा, ही रूल ओवर द माइटी विजयनगर एम्पायर। वन नाइट ही ड्रीम्ड ऑफ अ स्प्लेंडेड पैलेस। इट वॉज मेड ऑफ ग्लिटरिंग स्टोन्स एंड इट फ्लोटेड इन द एयर। It had 100 rooms, each was painted with beautiful designs. The palace could light up with 1000 lights or be made to disappear into the darkness by merely wishing so. एक वक्त की बात है, किंग थे, उनका नाम था कृष्णा देवा और वो विजयनगर एम्पायर के ऊपर राज किया करते थे। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि एक बहुत ही शानदार पैलेस है, पैलेस का मतलब महल, और उसमें जो स्टोन्स लगे हुए थे वो चमक रहे थे और वो पैलेस ज़मीन पे नहीं हवा में फ्लोट कर रहा था। उसके अंदर 100 कमरे थे, हर एक कमरे का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। कभी तो उस पैलेस में बहुत सारे हज़ारों लाइट जल सकते थे और कभी उसे अंधेरे में गायब भी किया जा सकता था। तो उन्होंने ये सपने में देखा। Each day he kept thinking about the palace in his dream, even when he was supposed to be working. Tomorrow I will tell the courtiers about the dream I had. तो जिस वक्त उन्हें काम करना रहता था उस वक्त भी वो बस अपने सपने के बारे में सोचते रहते थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कल मैं अपने कोर्टियर्स को, यानी अपने महल में रहने वाले लोगों को उसके बारे में, अपने सपने के बारे में बता दूंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट द कोर्ट, तो अगले दिन कोर्ट में किंग कहते हैं, लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड ऑफ अ मैग्निफिसेंट पैलेस। तो उन्होंने बताया कि पिछले रात मैंने एक बहुत ही शानदार पैलेस का सपना देखा है। नॉट एवरी वन एट द कोर्ट वॉज वाइज और ऑनेस्ट। मोस्ट ऑफ द कोर्टियर्स वॉन्टेड टू फ्लैटर द किंग, होपिंग ही वुड रिवॉर्ड देम इन रिटर्न। तो उस कोर्ट में हर कोई समझदार नहीं था और हर कोई ऑनेस्ट नहीं था। काफ़ी सारे जो महल के लोग थे वो चाहते थे कि बस हम किंग को किसी तरह से मक्खन लगा के खुश कर दें ताकि वो उन्हें रिवॉर्ड में कुछ दे दें। माय किंग, योर ड्रीम इज़ इंडीड मार्वेलस। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपका जो सपना है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यस इट इज़, ओनली अ ग्रेट किंग कैन हैव सच अ ग्रैंड ड्रीम। तो दूसरा कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ही शानदार सपना है, सिर्फ एक बहुत ही बड़े राजा ही इस तरह का सपना देख सकते हैं। इनकरेज बाय हिज फूलिश एंड ग्रीडी कोर्टियर्स, द किंग मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट। आई वॉन्ट माई ड्रीम पैलेस बिल्ट, गो फाइंड मी अ पर्सन हु कैन डिज़ाइन एंड बिल्ड सच अ पैलेस फॉर मी, आई विल गिव हिम 100,000 गोल्ड कॉइन्स। तो अपने उन बेवकूफ़ और लालची कोर्टियर्स की बातों में आके किंग जो है वो एक घोषणा कर देते हैं कि मुझे अपना जो सपनों का महल है वो बनवाना है, और तुम सब जाकर उस आदमी को ढूंढ कर लाओ जो उस महल को डिज़ाइन कर सके और बना सके। मैं उसे 100,000 सोने के सिक्के दूंगा।
The courtiers were shocked by the king's announcement. Their mouths fell open. But what would they say against a king's command? Most of them did not have the courage to tell the king. तो जो सारे महल के रहने वाले लोग थे वो किंग की इस घोषणा से एकदम शॉक रह जाते हैं. उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं. लेकिन वो अब एक राजा के आदेश के आगे कुछ कह भी नहीं सकते थे. कई लोगों के अंदर ये हिम्मत ही नहीं थी कि वो उस राजा को कुछ बोल सके. Whoever heard of a palace floating in air, but how can we tell the king it is not possible? तो ये सब आपस में बातें करते हैं कि कभी किसी ने सुना भी है कि हवा में कोई महल फ्लोट कर रहा हो. तो दूसरे लोग कहते हैं कि लेकिन हम तो किंग को ये राजा को ये बात कैसे बताएं कि ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं. अ फ्यू ऑफ द वाइज एंड ऑनेस्ट कोर्टियर्स ट्राइड रीजनिंग विद द किंग. कुछ लोग उन्हें समझाने के लिए भी आते हैं राजा को. माई किंग इट वुड बी इम्पॉसिबल टू बिल्ड ओवर द क्लाउड्स एंड एयर. माई किंग ही स्पीक्स द ट्रूथ. सच अ पैलेस कैन नॉट बी बिल्ट. तो वो उन्हें समझाते हैं कि बादलों पे और हवा पे पैलेस बनाना नामुमकिन है. और दूसरे लोग उन्हें समझाते हैं कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है. इस तरह का जो पैलेस है वो कभी भी बनाया नहीं जा सकता. साइलेंस. आई विल हैव नो मोर ऑफ योर एक्सक्यूजेज एंड आई विल नॉट बी प्लीज इफ़ यू कैन नॉट बिल्ड मी अ पैलेस इन द एयर. तो राजा गुस्से में आगे उन्हें कहते हैं कि तुम सब चुप हो जाओ, मुझे और कोई बहाना नहीं सुनना, और जब तक हवा में महल नहीं बन जाता तब तक मैं खुश नहीं हूँगा. द कोर्टियर्स वेयर वरिड. दे न्यू देयर वॉज ओनली वन मैन हु कुड फाइंड अ वे आउट. हिज नेम वॉज तेनाली रामा. ही वॉज अ मिनिस्टर, पोएट एंड जेस्टर एट द किंग्स कोर्ट. सो द चीफ मिनिस्टर डिसाइडेड टू गो टू तेनाली रामाज हाउस एंड स्पीक टू हिम. तो सारे जो महल में रहने वाले लोग थे वो सारे बहुत परेशान थे. तो उन्हें के पास एक आइडिया आया कि सिर्फ एक आदमी उनकी मदद कर सकता है. उसका नाम है तेनाली रामा. वो राजा के दरबार में मिनिस्टर के पोस्ट पे था. वो पोएट भी था और साथ ही साथ जेस्टर भी था. यानी वो किंग के कोर्ट में जोक्स सुना के सबको हंसाया भी करता था. तो चीफ मिनिस्टर जो रहते हैं वो तेनाली रामा के घर जाते हैं और उनसे बात करते हैं. अ फ्यू डेज लेटर अ मैन टॉर्टर इन टू द किंग्स कोर्ट क्राइंग फॉर जस्टिस. इसके कुछ दिनों के बाद एक आदमी राजा के कोर्ट में आता है धीरे धीरे चलते हुए और मदद की गुहार लगाता है. माई डियर फेलो वॉट इज़ द मैटर. तो किंग उससे पूछते हैं क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ. Who has been unjust with you? Tell me without fear and I shall see that justice is done. तो पूछते हैं कि तुम्हारे साथ किसने गलत किया, मुझे बिना डरे सब कुछ बता दो और मैं ज़रूर तुम्हारे साथ इंसाफ करूँगा. I have been robbed, your majesty. तो वो आदमी कहता है कि मैं लूट गया हूँ. Who has robbed you? Name him and I will have him severely punished. तो राजा उसे कहते हैं किसने तुम्हें लूटा है, तुम उसका बस नाम बताओ और मैं उसे बुरी तरह से पनिशमेंट दूंगा. योर मैजेस्टी आई विल टेल यू बट यू मस्ट फर्स्ट प्रॉमिस मी डैट यू विल नॉट पनिश मी, आई हैव नथिंग लेफ्ट. तो वो कहते हैं कि मैं आपको बता दूंगा कि वो इस ऐसा किसने किया, लेकिन पहले आप मुझे ये वादा करिए कि आप मुझे कोई भी दंड नहीं देंगे क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है. The king was astonished, but he remembered his promise and sat back to listen to what the man had to say. तो राजा उसकी ये बात सुन के एकदम चकरा जाते, लेकिन उन्होंने अपने वादे को याद रखा था, इसलिए वो चुपचाप से उस आदमी की बात सुनने के लिए बैठते हैं. Your majesty, last night I had a dream. I dreamt that you had come with your entourage of ministers and commanders and robbed my entire life saving 5,000 gold coins. तो वो आदमी कहता है कि पिछले रात मैंने सपना देखा, मैंने ये सपने में देखा कि आप अपने सारे मंत्रियों और सारे सिपाहियों के साथ मेरे घर पे आए और आपने मेरे घर पे आके मेरी सारी जो जमा पूंजी थी, जो मैंने ज़िंदगी भर जमा की थी, उसे सब कुछ लूट लिया है मुझसे, और 5,000 सोने के सिक्के भी मुझसे लूट लिए. हाउ फुलिश आर यू, हाउ कैन यू बिलीव डैट योर ड्रीम कैन बी रियल, ड्रीम्स आर नॉट ट्रू. तो राजा गुस्से में कहते हैं कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम ये कैसे मान सकते हो कि तुम्हारा सपना सच है, सपने कभी भी सच नहीं होते. इफ़ योर मैजेस्टीज ड्रीम ऑफ अ पैलेस हैंगिंग इन द एयर
कैन बी मेड टू कम ट्रू, देन वाई कांट माई ड्रीम बी रियल टू। तो वो आदमी कहता है कि अगर आपका जो सपना है कि आपको हवा में महल चाहिए, वो अगर सच हो सकता है तो मेरा सपना सच कैसे नहीं हो सकता। बट बिफोर द किंग कुड आंसर द मैन टोर ऑफ हिज फॉल्स बियर्ड एंड हेयर, इट वॉज नन अदर देन तेनाली रामा। तेनाली बाउड लो बिफोर द अमेज्ड किंग। तो इससे पहले कि राजा कुछ जवाब दे पाते, उस आदमी ने अपनी नकली दाढ़ी और बाल हटा दिए और वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेनाली रामा थे। तेनाली रामा ने अपना सर किंग के सामने झुकाया। योर मैजेस्टी, आई अपोलोजाइज फॉर ट्रिकिंग यू, बट दिस वॉज द ओनली वे ऑफ कन्विंसिंग यू डैट योर ड्रीम ऑफ बिल्डिंग अ पैलेस फ्लोटिंग इन देयर इज इम्पॉसिबल। तो वो कहते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपके साथ धोखा किया, लेकिन बस यही एक तरीका था जिससे आपको ये मनाया जा सकता कि हवा में एक महल बनाना इम्पॉसिबल है। द किंग बर्स्ट इन टू लाफ्टर, तो राजा जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। यू आर राइट तेनाली, यू आर रियली वेरी क्लेवर। तो वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही हो तेनाली, और तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।